Hi everyone, welcome back to my channel Ruchi Lifestyle and good morning all of you. और अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और बस अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाना है, तो अभी नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना है और नाश्ता में बनाना है रोटी एंड सब्जी। तो आज हम लोग सब्जी जो बनाएंगे वो ये सेम की सब्जी बनाएंगे, तो सेम आलू की सब्जी बनाएंगे। मेरी एक रूममेट ने सेम की सब्जी के लिए सेम वगैरह कल ही शाम को ही कट वगैरह करके रख दिया था, तो बस अभी बनाना है। तो बस चलते हैं और फटाफट फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं, देन फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि 8:30 हो चुका है। फिर ब्रेकफास्ट बनाने में कुछ टाइम लगेगा और कुछ काम भी है, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ब्रेकफास्ट पहले कंप्लीट करते हैं, देन मुझे बाहर भी जाना है, बहुत सारा काम भी है, मेरा खुद का काम है। तो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं। चलिए, तो आज ऐसा ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट में बनाएंगे नहीं, तो थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। तो बस स्टार्ट करते हैं, किचन में आ चुके हैं और ब्रेकफास्ट सबसे पहले पहले हमने सोचा कि यार ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं, तो सब्जी कटा हुआ था, सोचा फ्रीज में रहेगा, शाम में फिर हम लोग बना लेंगे, क्योंकि आज सभी को थोड़ा जल्दी निकलना है इस वजह से। तो फिर बोले कि ठीक है, रोटी सब्जी फटाफट बना लेते हैं, एंड आटा वगैरह गूथा हुआ है तो बस बनाना है। तो बस चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देन फिर क्योंकि बहुत सारा काम है तो कंप्लीट करना जरूरी है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं।
करूंगी देन बाहर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है और आप लोग से भी एक बात शेयर करना है जो कि मैं उधर से आके शेयर करती हूँ। देन ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट है, रोटी सब्जी एंड सैलेड। तो बस मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और सब किचन वगैरह साफ कर ली हूँ, तो ऑलमोस्ट सब काम डन हो चुका है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 हुआ है। तो बस अब फटाफट खाएंगे और फटाफट रेडी होंगे और निकलेंगे, क्योंकि बहुत ही टाइम हो जाएगा। एक्चुअली मुझे वहाँ पे किसी भी हालत में 10 बजे तक तो पहुँच ही जाना होगा आज। तो बस फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी तुरंत बाहर से आई हूँ और बाहर से आने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी भी बहुत धूप है। एटलीस्ट 5 बजने वाला है, फिर भी बहुत धूप है। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि कहना नहीं। मैं आई हूँ फिर से, एक बार फ्रेश हुई हूँ तब थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा भूख भी लगा हुआ है। तो बस कुछ कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लूँगी एंड बस बहुत ज़्यादा ही धूप है और अभी तक धूप है, मतलब पता नहीं कितने बजे धूप ख़त्म होने वाला है। और आज तो बहुत ज़्यादा ही काम था एटलीस्ट, बट ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बट मेरा खुद का काम नहीं हुआ है। तो मेरा अभी कुछ काम और पेंडिंग है, मुझे करना है वो। मैं कुछ की थी उसका और कुछ बाकी है, तो वो भी करना है और बस कुछ खा लूँगी क्योंकि भूख लग गया है। गर्मी तो इतना लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा धूप है ना अभी तो, ये हालत है। मुझे तो सोच के ही बहुत अजब लगता है कि अभी ऐसी हालत है तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा। सो बैड, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और बस थोड़ा आई तो बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, तो अभी नाश्ता कुछ ली हूँ, बस चूड़ा फ्राई एंड मैं ये पापड़ जैसे मैं ऐसे ही थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ, तो बस थोड़ा खाऊंगी। क्योंकि मतलब ना मैं गई थी तो मैं बाहर में ऐसा कुछ तो खाई नहीं, जो भी काम था वगैरह वो सब करके आई और उसके बाद बस अभी थोड़ा इसे खा लूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ एंड फिर थोड़ा सा नीचे भी जाऊँगी क्योंकि मुझे नीचे भी थोड़ा काम है एंड तो नीचे जाऊँगी थोड़ा, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और क्या बोलूँ, आज थोड़ा बहुत ही परेशान हो गई थी। कहीं कहीं पे लोग अच्छे मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे लोग अच्छे नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी होता है। कोई नहीं, बट काम वगैरह हो गया, अब जो मेरा एडिटिंग है वो सब नहीं की हूँ मैं, तो वो एडिटिंग वगैरह करूँगी थोड़ी देर में। ये खा लेती हूँ, उसके बाद फिर से एडिटिंग पे बैठूँगी और उसके बाद फिर कुछ वीडियो भी अपलोड करना है, वो सब अपलोड करूँगी। देखती हूँ क्या क्या कितने देरी में कर पाती हूँ, पहले खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई है। तो चलिए खाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो बहुत देरी के बाद मिल रही हूँ, अभी 9 बज चुके हैं
और अभी हम लोगों का डिनर नहीं हुआ है, बस कुछ देर में डिनर करेंगे। बट अभी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो आप लोग सोचिए कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो बस मैं घर जाने वाली हूँ, मुझे छुट्टी मिल चुका है और मैं बस निकलूँगी यहाँ से। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं घर जाऊँगी एंड ऑल होली में मैं वहाँ रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं अकेले कोई फेस्टिवल में ऐसा रही नहीं हूँ कहीं भी, और घर पे ही हमेशा रही हूँ। और ये बार ऐसा था कि अभी तक तो ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं आया था, बट जो छोटे मोटे फेस्टिवल आ रहे थे, बट होली एंड होता है ना दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, ये सब बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे लिए। तो मैं घर नहीं जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ख़राब लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। बट एक्चुअली मुझे छुट्टी मिल गया है और मैं फाइनली जाने वाली हूँ, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और घर जाने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है, क्योंकि एक्चुअली मैं आज तक कभी बाहर अकेले रही नहीं हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। एंड मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं बस, मुझे लग रहा है बस जल्दी 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 मतलब वीक ख़त्म हो जाए और मैं पहुँच जाऊँ, कुछ ऐसा फील हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, जो भी बाहर रहते हैं या जो अपने घर से दूर हैं, तो उनको लगता ही होगा कि कब घर जाएंगे, कब छुट्टी मिलेगा। तो उसी टाइप का कुछ फीलिंग है मुझे भी। तो बस अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा छुट्टी अप्रूव हो गया है, तो बस जाऊंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये बस, मुझे तो लग रहा है कि बस जल्दी 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 वीक ख़त्म हो जाए। तो मैं हैप्पी हूँ कि होली में वहाँ रहूँगी एंड बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मस्ती करने वाले हैं। तो बस, और अभी डिनर वगैरह ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बनाना था हमें, रोटी और एक्चुअली मेरी एक रूममेट ने बना दिया है। और आज मुझे भी बहुत सारा काम था क्योंकि दिन में मैं एक्चुअली मैं घर से काम करती हूँ ऑफिस के लिए, ऐसा नहीं है, मैं घर से भी करती हूँ और ऑफिस भी जाती हूँ। तो फिर आज मुझे जाना था, तो फिर मैंने वहाँ का भी काम वगैरह सब कुछ निपटा के आई हूँ। तो देन फिर वो सब भी जो काम था वो सब भी हो चुका था, बट घर आई तो मेरा एडिटिंग वगैरह बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो कोई नहीं, फिर मैं वो सब करने लगी। फिर ऐसा कुछ टाइम नहीं था, और अभी बस नॉर्मल सब्जी वगैरह है, तो बस रोटी एक रूममेट ने बना दिया है, तो बस अभी हम लोग नॉर्मल रोटी सब्जी वगैरह ही खाएंगे, सैलेड। तो बस अभी डिनर करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट 9 से तो अब अधिक ही हो गया है, तो बस खाएंगे और सोएंगे। और आज दिन भर बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, बिजी वाला डे था, सुबह से ही बहुत ही हड़बड़ी था। बट उस हड़बड़ी में एक अच्छा चीज़ भी मिल गया कि मुझे छुट्टी मिल गई और मैं घर जाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रुचि लाइफ स्टाइल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स, एंड फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तो गुड नाइट।